आप सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते शर्मिला दीदी। सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी सत्र में। हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपने द्वारा शरीर को देख रहे हैं और शरीर के साथ जो हमारा आदान प्रदान है उस पर हमारा ध्यान जा रहा है। और आगे हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम बाहर से जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो सूचनाएं हैं, उसको कैसे हम शरीर के द्वारा देते हैं और क्या हम उसको अर्थ देते हैं, क्या हमारे अंदर चलता है, उस पर थोड़ा ध्यान जाएगा। तो अभ्यास दो में, स्टेप एक में, हम ये देख रहे थे कि मैं हूँ, मैं देख पाती हूँ कि मैं हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर हो रही क्रियाओं को पढ़ पाती हूँ। मेरे अंदर इच्छा विचार आशा चल रहा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं हूँ। मुझे ये भी दिखता है कि शरीर है। शरीर दिखता है, ये कैसे मुझे मालूम होता है? शरीर में हो रही जो क्रियाएं हैं उसके तहत शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। मैं जब वो संवेदनाओं को पढ़ती हूँ तो फिर मुझे मालूम होता है कि शरीर है। वरना तो अक्सर हम अपने में बिजी रहते हैं तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि शरीर है। स्टेप दो में हम ये देख रहे थे कि मेरे और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस प्रकार का है। तो मैंने शरीर को कुछ संकेत दिया, कोई इंस्ट्रक्शन दिया। ये संकेत एक तरह से एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन है। इसी प्रकार शरीर में कुछ संवेदना उठी, संवेदना उठी, उसको मैंने पढ़ा। मेरा संवेदना को पढ़ना ये भी एक प्रकार की एक सूचना है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये जो शरीर और मेरे बीच जो आदान प्रदान है ये सिर्फ सूचनाएं का है। अगर हम ध्यान देंगे तो इस पर हमारा ध्यान जाएगा। शरीर में बहुत सी भौतिक रासायनिक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जब मैं किसी संवेदना को पढ़ती हूँ, इस संवेदना को पढ़ना, ये कुछ भौतिक रासायनिक शरीर से मुझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसके प्रति सजग हो जा रही हूँ और मैं उसको पढ़ रही हूँ, ये एक प्रकार की सूचना है। तो हम देखेंगे कि मेरे और शरीर के बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ एक मात्र सूचनाओं का आदान प्रदान है, सूचनाओं का एक्सचेंज है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, कुछ भी फिजिकल या फिजियोकेमिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये हम स्टेप दो में देख रहे थे। स्टेप तीन में हम अपने आप से पूछ रहे थे कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का मेरे और शरीर के बीच, इसका निर्णय कौन ले रहा है? मैं निर्णय ले रही हूँ या शरीर ले रहा है? तो उस पर भी हमारा ध्यान गया। फिर हमने देखा कि हम कुछ संकेत देते हैं, शरीर अपने आप तो कुछ नहीं करता, हम कुछ संकेत देते हैं, उससे शरीर जो हम संकेत देते हैं वैसा करता है। हमने कहा उठो तो उठ गया, हमने कहा चलो तो चल गया, हमने कहा लेट जाओ तो लेट गया। और शरीर में कितनी सारी संवेदनाएं उठ रही हैं, कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, हम उस संवेदना पर ध्यान देते हैं जो हमें महत्वपूर्ण लगती है, जब हमें महत्वपूर्ण लगती है। तो इसमें भी निर्णय मेरा ही हुआ, संवेदनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन मैंने निर्णय पूर्वक किसी संवेदना को पढ़ा, इसके प्रति हम थोड़ा सजग हो जाएं। दिन भर में कितनी सारी संवेदनाएं उठती हैं शरीर में, हम कभी कभी कुछ संवेदनाओं को पढ़ते हैं, उस पर हमारा ध्यान जाए कि मैंने ये निर्णय लिया और मैंने इस संवेदना को पढ़ा। तो अल्टीमेटली देखेंगे कि ये पूरे आदान प्रदान में निर्णय तो मेरा ही है, कौन सी संवेदना पढ़नी है,
फिर उसको पढ़ के मैंने अपने अंदर उसको क्या अर्थ दिया, उसके बेसिस पे मैंने कुछ निर्णय फिर से लिया और फिर मैंने कोई संकेत दिया शरीर को। तो ये सारे आदान प्रदान में निर्णय तो मेरा ही है। अल्टीमेटली मैंने जो भी संवेदना पढ़ी वो पढ़ने का काम मेरा हो रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। संवेदना कहाँ है? संवेदना शरीर में उठ रही है। जैसे कि आंखों में कोई दृश्य बना, वो दृश्य आंखों में बन रहा है, लेकिन आंखें देख रही हैं या मैं उस दृश्य को पढ़ के उस पे उसका कुछ अर्थ निकाल के उसको मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे ये दृश्य दिखा, किसको दिखा? मुझे दिखा। किसके माध्यम से दिखा? शरीर के माध्यम से दिखा, शरीर में जो आंखें हैं उनके माध्यम से दिखा। तो हमें ये दिखेगा कि हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। जो भी हमें बाहर से इन्फॉर्मेशन लेनी है, बाहर के बारे में कुछ जानना है, दूसरे से कुछ व्यवहार करना है, किसी से बातचीत करनी है, जो भी हमें करना है उसके लिए हम शरीर का यूज करते हैं। तो शरीर को हम एक साधन की तरह यूज कर रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान जाए। तो देखने वाले मैं, करने वाले भी मैं, क्योंकि मैंने निर्णय लिया, मैंने संकेत दिया, तो करने वाला भी मैं, भोक्ता भी मैं। कुछ हुआ, गर्मी का मौसम था, कुछ शरीर पर कुछ उसका प्रभाव पड़ा, शरीर में कुछ संवेदना उठी, उसके तहत पसीना आया, जो भी हुआ ये सब भौतिक रासायनिक घटनाएं हैं। गर्मी किसको लग रही है? तो देखेंगे गर्मी तो मुझे हो रही, मुझे लग रहा है कि गर्मी है, चलो उठ के पंखा चला लें। फिर हमने शरीर को संकेत दिया, शरीर ने जाके पंखा चलाया। तो इस तरह से देखेंगे तो देखने वाला मैं, करने वाला मैं, भोगता भी मैं, सुखी दुखी मैं ही होता हूँ। शरीर में तो सिर्फ संवेदनाएं उठती हैं, भौतिक रासायनिक घटनाएं चल रही हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान गया। स्टेप 4 में हम इस पर ध्यान दे रहे थे कि ये जो संवेदनाएं हो रही हैं शरीर में और मैं संवेदनाओं को पढ़ रही हूँ, तो मैं इस पर थोड़ा गौर से देखूं कि जो जो संवेदना मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं वो संवेदना ही हूँ या मैं संवेदना से अलग हूँ? क्या मैं संवेदना के अंदर हूँ या मैं संवेदना से बाहर हूँ? तो इस पर भी हमने थोड़ा गौर किया, ये देखने का प्रयास किया कि मैं चैतन्य इकाई शरीर से अलग हूँ, संवेदना शरीर में हो रही है, मैं अलग होते हुए शरीर में वो संवेदना को पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैं बाध्य नहीं हूँ हर संवेदना को पढ़ने के लिए। जब मेरा निर्णय होता है, जैसे मेरा निर्णय होता है, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, उस बेसिस पे मैं चुनी गिनी चुनी कोई संवेदनाओं को पढ़ती हूँ, इस पर ध्यान गया। स्टेप 5 में हम ये देख रहे थे। अब स्टेप 5 में क्या हुआ? अब हम बाहर जो हो रहा है उसको भी, उसका प्रोसेस भी देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा अपने अंदर पहले एक्सरसाइज 1 में, फिर एक्सरसाइज 2 के स्टार्टिंग में हम ये देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं और शरीर 2 इकाइयां हैं, भिन्न हैं एक दूसरे से, और उनका आदान प्रदान, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दे रहे थे। अब हमने एक तीसरी चीज को इन्वॉल्व कर लिया, बाहर की जो घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति हम, हमारा क्या ना इंटरेक्शन है, वो कैसे हो रहा है,
तो उस प्रोसेस को देखने के लिए हम ये स्टेप फाइव में थोड़ा इसको तार तार करके देखेंगे। स्टेप फाइव में हमने स्टार्ट किया इससे कि बाहर घटनाएं कुछ घट रही हैं, उन घटनाओं के प्रभाव की वजह से शरीर में कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। कौन सी संवेदना को पढ़ना है वो तो हमने पहले ही देख लिया, निर्णय मेरा है, लेकिन ये एक स्रोत है संवेदनाओं का जो शरीर में उठ रही हैं, कि बाहर कोई घटना घट रही है। बाहर दो प्रकार की चीजें हो रही हैं, बाहर कोई और दूसरा मनुष्य है, मेरा उसके साथ कुछ व्यवहार है, वो मेरे से बात कर रहा है, या उसने हाथ हिला के कुछ संकेत दिया या कोई और संकेत दिया। ये सब मेरे और दूसरे मनुष्य के बीच में हो रहा है, उसके कारण शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है और शरीर में संवेदना उठ रही है, ये एक स्रोत हो सकता है। इसी तरह बाहर जो वातावरण है, सर्दी है, गर्मी है, जैसे अभी बात हो रही थी, या कोई गंध है बाहर, ये सब की वजह से शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा, शरीर में संवेदनाएं उठी और मैंने संवेदना को पढ़ा। कौन सी संवेदना को पढ़ा वो मेरे ऊपर है। मैं अलग अलग लोग अलग अलग संवेदनाओं को पढ़ेंगे। गर्मी है, एक पर्सन ऐसा होगा, एक मनुष्य जो वो गर्मी से जो संवेदना उठ रही है उस पर उसका ध्यान जा रहा है। दूसरा जना, गर्मी तो है वैसी ही, लेकिन वो दूसरे मनुष्य से बात कर रहा है, उसका ध्यान उससे हो रही संवेदना पर है, और उसने गर्मी से जो संवेदनाएं उठ रही हैं गर्मी के प्रभाव से, उस पर उसका ध्यान नहीं गया, उसने उस संवेदना को नहीं पढ़ा। वो तो खैर निर्णय हमारा है, बट ये दो स्रोत हैं, बाहर से कुछ घटना घट रही है उसके कारण शरीर पर जो प्रभाव हो रहा है उससे जो संवेदना उठी, वो ये सोर्स हो सकता है बाहर। फिर एक सोर्स शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर में बहुत सी घटनाएं वैसे ही चल रही हैं, तो उसके कारण भी कुछ शरीर में संवेदनाएं उठती हैं, जैसे कि सुबह उठे आपने अपने पेट में कुछ महसूस किया, कुछ आवाज आ रही है, गुड़गुड़ा कुछ आवाज आ रही है, या शरीर के किसी भाग में आपको कुछ थोड़ा दर्द आपने नोटिस किया, तो ये दर्द क्या है? संवेदना उठी। संवेदना तो सिर्फ वो भौतिक रासायनिक चीज है, लेकिन आपने जब आपका ध्यान गया उस पर और आपने पढ़ा, तो आपने उसको कुछ अर्थ दिया और उससे कुछ ना सुखी दुखी हुए, वो सब आगे का देखेंगे, लेकिन ये एक स्रोत हो सकता है कि शरीर में कुछ घटना घट रही है उसके कारण कोई संवेदना उठ रही है। चौथा एक स्रोत ये हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है और हम अगर ध्यान देंगे तो हमें दिखेगा सारा समय कुछ ना कुछ चलते ही रहता है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर कुछ चल रहा है उसके कारण शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है और उससे कोई संवेदना उठी जिस पर हमारा ध्यान गया। हमारे अंदर भी जो चल रहा है उससे भी बहुत कुछ, जो भी प्रभाव पड़ता है उससे भी शरीर में संवेदनाएं उठती हैं, लेकिन हम जो हमें महत्वपूर्ण लगता है उस समय उसी पर हमारा ध्यान जाता है। तो ये सब जो है, ये चार स्रोत की बात हुई थी, और अब हम गृह कार्य पर आ सकते हैं। यही हमने देखना था कल भी, कि शरीर में होने वाली विभिन्न संवेदनाओं को देखें और उन स्रोतों पे ध्यान दें जिनके कारण शरीर में ये संवेदनाएं हो रही हैं। दूसरे इंसान का व्यवहार, पर्यावरण का प्रभाव, शरीर में होने वाली घटनाएं जिससे कि शरीर में संवेदना उठ रही है, और
हम में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसके कारण कोई प्रभाव जिससे कि शरीर में संवेदना होती। हमारा ध्यान जिस भी संवेदना पे जाए, हम ये देखें कि ये जो संवेदना पर हमारा ध्यान गया है ना, वो कहाँ से, उसका स्रोत ओरिजिन क्या था, और उसको नोट कर लें। जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइज करते चलेंगे, वैसे वैसे हमारा इस पे ध्यान और बारीकी से जाएगा, और अभी अगर हमें कुछ स्रोत नहीं भी दिख रहे हो तो धीरे धीरे वो दिखने लगेंगे। तो इस पर अगर कोई आप में से शेयर करना चाहें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस एक्सरसाइज के साथ, तो हम आपकी शेयरिंग अभी ले सकते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है दो चीजों को लेकर है। जैसे पहले मैं एक पर्यावरण का जो कल मेरा एक्सपीरियंस हुआ वो शेयर कर रही हूँ। जैसे बहुत बारिश हुई और मैं कॉलेज से घर के लिए निकल चुकी थी, टू व्हीलर पर थी, पर एकदम अच्छी खासी बारिश बीच में रास्ते में शुरू हो गई। तो उस समय तो एकदम भीगी तो अच्छा लगा, ठंडक लगी, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत थी। पर उसके बाद जो मेरी हालत हुई लगभग पिछले मतलब उसके बाद के 3 4 घंटे तक, तो बहुत ही शरीर में जैसे एक तरह से बॉडी एक पूरे बॉडी में शुरू हो गया था। तो ये यहाँ मेरा ध्यान गया, पर मैं ये कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि वो भीगने के कारण बॉडी में क्यों ये हुआ, ये रिलेट नहीं कर पा अभी रही। अभी आगे उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखें कि जब ये ना आप गए, बारिश हो रही थी, तो वो प्रोसेस को थोड़ा ब्रेकअप करके देखें। अभी ये सारा हाँ मिक्स हो गया है ना, हाँ मुझे हाँ ऐसा लगा, ये मतलब हुआ, शायद वो उस समय इमेजिनेशन में क्या चल रहा था ये भी देखना पड़ेगा, बाद ये में कह बाद की सकते। बात है ना। अच्छा मतलब ये तो ठीक बात है कि हमें सजग रहना है, और जो भी हमारे अंदर चल रहा है उस पर हम सजग उसके प्रति हम सजग रहें और देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जी लेकिन जब ये घटना घटी है ना, हाँ बारिश की वजह से शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा, हाँ कोई संवेदना उठी है हाँ ना, आपने उस संवेदना को पढ़ा जी है ना, फिर इसके जी आगे हो सकता है कुछ आपके अंदर कुछ और चल रहा था पहले, अब कुछ और चलने लगा हाँ जी ना? तो उसके प्रति भी हम आगे आगे जो ये स्टेप्स करेंगे उनको हम और अच्छे से जानेंगे कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है ना। हम उसको कुछ अर्थ देते हैं, जैसे आपने कहा मुझे अच्छा लगा, हाँ हमने कुछ अर्थ दिया, उस अर्थ के तहत हमारे अंदर कुछ भाव बना है ना, जी और उस भाव से हम सुखी या दुखी हुए, तो आपको अच्छा लगा। यही इंसिडेंट किसी और के साथ हो, सेम चीज ना, बारिश में गए, संवेदना उसका प्रभाव शरीर पर पड़ा, संवेदना उठी, लेकिन उन्होंने कुछ और अर्थ दिया, ऐसा भी हो सकता है ना। कई हाँ लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे बारिश में नहीं जाना था, भीग गए अब बीमार पड़ जाएंगे, तो हाँ हमारे दुख वहीं से स्टार्ट हो गया हाँ है ना। तो जी ये बातें भी हम और आगे थोड़ा और गौर से इनको देखेंगे, बट ये आप ध्यान दे पा रहे हैं कि शरीर में कुछ हो रहा है उसको मैं पढ़ रही हूँ, और वो पढ़ने के कारण या वो पढ़ने के साथ साथ मैं उसको कुछ अर्थ दे रही हूँ, हाँ और इतना यहाँ उस अर्थ दे रही हूँ यहाँ तक तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत है ना। बढ़िया। हाँ, और दूसरा मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे आपने अभी इसमें हमने चर्चा करी कि मानव के साथ भी जब हम कोई बात करते हैं तो जो संवेदना होती है उसको देखना, तो ये मेरे ध्यान में कई बार आया है कि कभी हम किसी से बात करते हैं किसी विषय पर तो जैसे उंगलियां कांपती है हल्की सी, और सिर्फ मेरे केस में नहीं, मैंने दूसरों के केस में भी ये देखा है कि
तो मुझे कभी कभी मेरा मतलब आश्चर्य होता है कि ओनली इन सर्टेन सिचुएशंस ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार नहीं होता है, मेरे संदर्भ में भी और दूसरों के संदर्भ में भी। जी ये ध्यान गया तो ये एक अच्छी चर्चा है, मतलब यहाँ से हम आगे जा पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, वही ये हाँ वो हम देखने वाली बात है अभी। बिल्कुल हमने उसको कुछ अर्थ दिया उस पूरी घटना को ना, हमने जो संवेदना पढ़ी, संवेदना पढ़ी यानी अब दूसरा व्यक्ति मेरे सामने आया, उसका दृश्य मेरी आंखों पे बना, उसने कुछ कहा, वो ध्वनि मेरे शरीर के कानों पर पड़ी, है ना, मैंने इन संवेदनाओं को पढ़ा और इसको कुछ अर्थ दिया, ठीक है ना। ये तो आप देखेंगे कि जब आगे देखेंगे कि जब हम संवेदना को पढ़ते हैं, वो भी हम हमारे अंदर कुछ बना हुआ है उसके तहत पढ़ते हैं, हमने उसको महत्वपूर्ण माना इसलिए पढ़ते हैं, ऑलरेडी वहां हमारा संस्कार एक्ट कर रहा है ना। हमने कुछ माना हुआ है किसी बंदे के बारे में और उसके तहत हम वो संवेदना पढ़ रहे हैं, वरना हम बहुत सी संवेदनाएं ऐसी हैं जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते, उनको नहीं पढ़ते। बहुत से लोग चल रहे हैं, आपका वो सब जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उसका दृश्य आपकी आंखों पर बन रहा है ना, उससे कुछ संवेदना उठ रही है। आपका जी ध्यान कहाँ जाता है, आप एक बंदे को जानते हैं उसमें से, तो जी आप बाकी जो पूरा दृश्य है उसके प्रति आपको कुछ अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन आपको वो पर्सन दिखाई देता है ना। तो हाँ, कभी वो पर्सन कभी वो विषय भी होता है जो हम दृढ़ता पूर्वक कहना चाहते हैं या सामने वाला कहना चाहता है, ये भी एक कहने होता की बात तो और आगे आएगी ना, वो है। हाँ तो हम संकेत दिया शरीर को, फिर शरीर ने कुछ किया, अभी पहले तो संवेदना पढ़ने की ही बात हो रही है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने से कोई आ रहा है जिसको आप जानते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ चल रहा है जिसके वजह से आप बिजी हैं अपने में, तो आपका वो ध्यान ही नहीं गया उस बंदे पे, ऐसा भी होता है ना। तो तब भी संवेदना तो उठ रही है, लेकिन हमने उसको पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम हमारे अंदर जो चल रहा था वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, हमारा ध्यान उसी पर था, तो हमारा ध्यान ही नहीं गया इस संवेदना पर, तो हमने उसको देखा ही नहीं, है ना। जी तो अभी बहुत सारा डिस्कशन होगा इस सब के बारे में, थोड़ा देखते चलेंगे, बट धीरे धीरे स्टेप वाइज करेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से बनेगी। थैंक यू जी। दीदी, अभी संवेदनाओं को देखने की बात हो रही थी, तो कल की बात थी कि बस ये मॉर्निंग सेशन लेने के बाद मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं चूंकि म्यूजिक से मैं संगीत का रियाज करती हूँ थोड़ी देर बैठ कर, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मुझे चाय नहीं पीना है, क्योंकि चाय पी तो लेती हूँ मैं, ऐसे संस्कार बने हैं कि भाई चाय पीना ही है सुबह से, पी लेती हूँ, लेकिन कई दिनों से ये इंट्यूशन आया था कि चाय पीने से मुझे गैस्ट्रिक होता है और चाय नहीं पीना, एसिडिटी बनती है। तो मैं ये सोच के बैठी रियाज करने के लिए कि मैं आज चाय नहीं पीऊंगी, और दीदी ने एक दिन बताया था कि कुछ अगर गर्म पीने की इच्छा हो रही तो कुछ गर्म अपन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, तो मैंने कहा रियाज करने के बाद वो ले लूंगी अगर ज्यादा कुछ लगा तो। मैं रियाज करने बैठ गई और मैं आंख बंद करके रियाज कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही थी, तो थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड उठ गए और उन्होंने ब्रश करने के बाद चाय चढ़ा दी किचन में, तो वहां से खुशबू आना शुरू हुई चाय की। तो मैं जब रियाज कर रही थी तो मुझे वो खुशबू आई, तो मुझे अंदर से लगा कि चाय तैयार हो रही है, फिर भी मेरा निश्चय ये था कि मैं आज चाय नहीं पीऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं बैठी बैठी अपना रियाज कर ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड वहीं आ गए मेरे पास और बैठ गए और उन्होंने चाय वहीं रख दी, तो वो चाय की खुशबू और तेज मुझे आने लगी, तो और फिर कुछ आहट हुई बिस्किट बिस्किट हुई खाने की, तो फिर अब मेरा ध्यान फिर उस पर चला गया कि चाय रखी है, तो फिर मैंने आँख खोल कर देख ली तो देखा कि मेरे लिए भी चाय आ गई है, तो
मैंने कहा कि अरे तुमने चाय क्यों बना ली, मुझे चाय तो नहीं पीनी थी, तुम पूछ तो लेते। तो बोले अरे ठीक है, तो फिर वो रखी थी, मैंने कहा अब चलो ठीक है बन गई है तो पी ही लूंगी। तो मैं सोच भी सकती थी कि रहने दो थोड़ी देर, मैं बैठी उठेगी तो पी लेगी, लेकिन मैंने कहा अब मेरे मन में तो था ही कि हाँ पीना है, थोड़ी सी पी ही लेती थी रोज रोज निश्चय करने के बाद भी। फिर वो रखी रही और फिर मैंने कहा ये अगला स्टेप करने को, अगला रियाज करने के बाद फिर मैं पीऊंगी। लेकिन जब जब मैं वो रियाज कर रही थी, वो स्टेप पर आगे बढ़ रही थी, मेरा ध्यान चाय पर था और उसकी खुशबू मुझे आई रही थी। फिर मैं फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी और मैंने थोड़ा ठंडे होने पर वो चाय पी ली, और पीती भी जा रही हूँ और सोचती भी जा रही हूँ कि मुझे चाय नहीं पीनी थी, मैं क्यों पी रही हूँ। फिर वही प्रॉब्लम होगी, फिर मुझे गैस बनेगी और मैं बाद में पछताऊंगी, लेकिन मैंने फिर भी वो पी ली। तो मतलब मैं निर्णय लेने के बाद भी वो अनिर्णय की स्थिति बनी रही, और मैंने बार बार मेरा ध्यान मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि मैं चाय पी लूँ, बाद में ही रियाज करूँ, नहीं तो मेरा बार बार ध्यान उसी पर जा रहा है कि अब चाय ठंडी हो रही है, मैं पी ही लेती हूँ, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने ये उसको देखा और फिर निर्णय लिया कि चलो पी लेती हूँ। तो वो जो दृढ़ निश्चय था कि नहीं पीना है, और वो बात सामने आई, तो मैंने उसको फिर से पी लिया, और फिर बाद में मुझे पछतावा हुआ कि मैं छोड़ भी सकती थी। तो दीदी ये मैंने कल का ऑब्जर्वेशन देखा, मतलब एक तो संवेदना को लेकर, और एक और छोटा सा एक्सपीरियंस था कि जैसे बाहर आपने कहा किसी व्यक्ति से जो संवेदना मिलती है, तो मैं नीचे लेती हूँ, मुझे कमर का प्रॉब्लम है। संवेदना जी दीदी मिलती है, संवेदना मिलती है या हम संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ते हैं, ये सब बातों को थोड़ा गौर करके देखें, है ना। अच्छा, दीदी मेरा संवेदना ऑब्जर्वेशन में का यहाँ मतलब कहाँ मैं गलत थी, कहाँ तक सही थी। नहीं, जी देखिए अभी खूब हेलो, सारा हमने बता दिया ना, सारा प्रोसेस बोल दिया कि शरीर में कुछ हो रहा है, फिर इसको थोड़ा और क्लोजली बारीकी से देखें, शरीर में क्या घटना घटी, है ना। चाय रखी थी, उसकी गंध शरीर तक पहुंची, वो प्रभाव था, है ना, शरीर के ऊपर, उससे कुछ संवेदना उठी, जी, ठीक है ना। मैंने निर्णय पूर्वक उस संवेदना को पढ़ा, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल वो दीदी, मैं, अगर आपका ध्यान कहीं और होता तो शायद आप वो संवेदना को पढ़ते ही ना, है ना। तो उसमें भी बिल्कुल, मेरा निर्णय है, मैंने निर्णय पूर्वक उसको पढ़ा है ना। पहले मैंने कोई निर्णय बनाया कि मैं नहीं पीऊंगी, लेकिन ये संवेदना उठी, मेरा ध्यान इस पर गया, मैंने संवेदना को पढ़ा, मैंने कुछ और अर्थ दिया उसको, है ना। हो सकता है हमने ये था कि हमने पहले तो सोचा था कि हम नहीं पिएंगे, लेकिन अब हमने अपना निर्णय चेंज कर दिया। निर्णय तो फिर भी मेरा ही है ना, बिल्कुल तो निर्णय से अनिर्णय नहीं हुआ, निर्णय बदल दिया हमने, ठीक है ना ये बात। जी, हाँ, तो फिर हमने निर्णय पूर्वक फिर उसको जो भी आगे प्रोसेस था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा और बारीकी से देखेंगे ना, तो क्लियर हो पाएगा। बट तो यही मैं दीदी प्रयास इसको पढ़ कर पाई, रहे हैं जी। मैं इसको पढ़ पाई क्या, मतलब मैं वो देख पा रही थी और मैं महसूस कर पा रही थी, और दिमाग में वो चल रहा था ये कि सेशन ले रही हूँ तो कंटिन्यू चल भी रहा था, और देख भी पा रही थी कि संवेदना उठ रही है। तो संवेदना उठ रही है, यानी आप जब देख रहे हैं तो जी, क्या हो रहा है, उसमें देखने में क्या हो रहा है, जो दृश्य है वो आंखों पर पड़ रहा है ना, तो वो भी, उससे क्या हो रहा है, संवेदना उठ रही है, तो वो भी एक ठीक संवेदना है जिस पर मैंने है, ठीक ध्यान दिया निर्णय पूर्वक। जैसे कि है, अभी बात हो रही थी, बहुत सी चीजें, आप किसी रूम में बैठे हैं, है ना, बहुत सी चीजों का, जो भी रूम में चीजें हैं उन सब का दृश्य आपकी आंखों पर पड़ रहा है, जो भी आपके शरीर के सामने है, ठीक है ना। आपका ये जो दृश्य बन रहा है आपकी आंखों में, वो आंखों में उसके जो ये दृश्य का प्रभाव है, उससे कुछ संवेदना उठ रही है शरीर में, आप उस संवेदना को पढ़ रहे हो,
जब आप उस संवेदना को पढ़ते हो तो आप कहते हो मैंने ये देखा। रूम में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजों का दृश्य आपकी आंखों पर पड़ रहा है, लेकिन आपका ध्यान एक चीज पर जाता है ना। जब चाय रखी थी, आपने आंखें खोली, जस्ट लाइक आपने जब आंखें बंद थी तो चाय की गंध आपके नाक तक पहुंची, है ना। उससे कुछ संवेदना उठी, उस पर आपका ध्यान गया, तो आपने कहा उसके स्मेल आई मुझे, स्मेल आई यानी मैंने उस पर ध्यान दिया, है ना। अब आपने आंख खोल ली, वही प्रोसेस है, दृश्य है, उसका प्रभाव हो रहा है, उससे संवेदना उठ रही है, आपने उस संवेदना को पढ़ा तो आपने कहा मुझे वो दिखी, ठीक है ये बात। तो हम देखेंगे कि जो शरीर में ये जो पांच सेंस ऑर्गन्स है ना, ठीक है। सबके माध्यम से हम कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना लेते हैं बाहर के बारे में भी। तो हम वैसे ही उसको, ये सब सूचनाएं आ रही हैं, है ना, शरीर में, लेकिन हम किस पर ध्यान देते हैं वो तो हमारा निर्णय है ना, उस पर ध्यान जाए। तो ये सब संवेदना ही है, जिसको हम देखना भी कह रहे हैं वो भी तो हम आंखों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन प्रोसेस तो वही है, दृश्य बन रहा है, उससे कुछ संवेदना उठ रही है, हम उस संवेदना पर ध्यान दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं हमें दिख रहा है, ठीक है ये बात। थी दीदी, लेकिन जब मैंने आंखें नहीं खोली थी तब भी वो मुझे महसूस तो हो ही रही थी, गंध के माध्यम से हो रही थी। महसूस हो रही थी यानी आपने उसको अर्थ दिया ना। अब जी, क्या, आंखें बिल्कुल बंद थी, वहां से कुछ दृश्य नहीं आ रहा, लेकिन ये दीदी। नाक के थ्रू, है ना, वो जो उसकी गंध है वो उसका कुछ प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, उस संवेदना को आप पढ़ रहे हैं, और वो गंध को जब आपने ना उस पर आपका ध्यान गया, उस संवेदना को आपने पढ़ा तो आपने कुछ अर्थ दिया, वो अर्थ ये था कि ये चाय है, ठीक है ना। ठीक है दीदी। अगर आपने कभी चाय को देखा ना, मतलब कभी टेस्ट ना किया होता, कभी उसकी गंध नहीं देखी होती, तो आपको नहीं वो वो अर्थ ना देते, है ना, जी कुछ गंध आ रही है वैसा सोचते। तो हम जी जो भी संवेदना को पढ़ते हैं फिर आगे उसको कुछ अर्थ देते हैं, है ना। अभी जाएंगे इस प्रोसेस में और थोड़ा जी डिटेल में, ठीक है। दीदी, एक बात क्या और हुआ फिर शाम को, बस छोटी सी बात है। मैं फिर शाम को मैं नीचे लेटती हूँ जमीन में, क्योंकि मुझे एक कमर की प्रॉब्लम है। तो मेरी बेटी बोली कि मामा आज मैं आपके साथ लेटूंगी, आपके साथ ही लेटना है मुझे। तो मैंने कहा आपको नीचे लेटना पड़ेगा बस। तो नहीं, मैं नीचे लेटूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, लाइट ऑफ करके आ जाओ। तो जैसे उसने लाइट ऑफ की तो वो एकदम से मेरे ऊपर गिर गई, और मुझे एकदम असहनीय पीड़ा हुई उससे। अब मुझे पता था कि उसका इंट्यूशन नहीं था कि वो गिरे एकदम से, तो मेरे पैर में बहुत तेज लग गया, और वो बहुत सॉरी सॉरी बोल रही थी। तो मुझे एकदम से, जब मुझे दर्द हो रहा था तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया। मैंने कहा बच्ची का इंट्यूशन तो नहीं था कि वो गिर जाए, वो धोखे से गिर गई है। और दर्द मुझे इतना असहनीय था, मैं उस समय अपने आप को पढ़ भी रही थी कि मुझे इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि इससे धोखे से हो गया है। तो वो दर्द में वो मुझे सॉरी बोल रही है, मैं अपना पढ़ रही हूँ। ओके बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये भी मैंने उसको देख पाया, बहुत गहराई से उसको निर्णय भी ले पाया कि मुझे इसको नहीं डांटना है, क्योंकि धोखे से हो गई। इसकी भावना नहीं थी कि मुझे कष्ट पहुंचाए। ये भी मैंने कल देखा, इसमें संवेदना को बहुत सही पढ़ा। तो क्या मैं सही थी? है ना, देखना है, वो प्रोसेस है, इसमें हम सही हाँ गलत की हाँ बात नहीं जी करते, जी बट ये जी आप बिल्कुल आपके अंदर ही वो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने ना, मैं देख पाई कि दूसरे का जी। इंटेंशन तो प्योर है, कॉम्पिटेंस हाँ, की कमी है तो हमें गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। ठीक दीदी, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते दीदी। ये नमस्ते। तो अभी एक्सरसाइज चल रही है, तो इसमें मैं
मतलब कुछ चीजें जो ऑब्जर्व कर पाई वो ये कि संवेदनाओं को जब मैं सजग रहती हूँ तो देख पाती हूँ, लेकिन ये एक तो निरंतर क्या ये मतलब बहुत ही कुछ कुछ समय के लिए होता है, जब मुझे ये एक्सरसाइज का याद आ जाता है कि हाँ अभी मुझे ये देखना है कि शरीर में कौन सी संवेदना उत्पन्न हो रही है। लेकिन जब मैं किसी काम में मशगूल हो जाती हूँ, बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मुझे फिर ध्यान नहीं रहता। फिर जब कल की एक्सरसाइज जब मैंने पढ़ी तो मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख पाई कि अगर मैं किसी काम में मशगूल हूँ तो उससे संबंधित अगर कोई संवेदना है तो वो ही मैं पढ़ती हूँ। और मजे की बात यह है कि उस समय सिर्फ वही संवेदना जो है वो मेरे निर्णय में रहता है, उसी संवेदना की ओर मेरा ध्यान जाता है, बाकी की जो संवेदना है उस पे से मेरा ध्यान बिल्कुल हट जाता है। फिर जब वो काम खत्म हो जाता है तो फिर मुझे और भी बहुत सारी संवेदनाएं जो मेरे शरीर तक पहुंच रही हैं उस पर मेरा ध्यान जाता है। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन रहा, और एक जी ये चीज मुझे ध्यान में आई कि मतलब कल की ही नहीं, जैसे पहले की कुछ घटनाओं को मैंने याद किया तो मैंने देखा कि जैसे ही कोई संवेदना मेरे शरीर को तक पहुंचती है और मैं तुरंत ही कोई ना कोई अर्थ उसके साथ चिपका देती हूँ। मतलब ये इतना जल्दी होता है कि संवेदना आई और उसका अर्थ मतलब इतना साइमल्टेनियस होता है कि मैं मतलब ऑब्जर्व तो कर पाई कि कितना शीघ्रता से मैं उसके साथ में अपने किसी मीनिंग को, अपने किसी संस्कार को, अपनी किसी मान्यता को अटैच कर देती हूँ। तो एक तो ये चीज देख पाई और मैं उसको अलग करने की कोशिश कर रही थी। एक तो कल जैसे गर्मी बहुत ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो मैं मतलब मुझे आराम नहीं था, मतलब बेचैनी या परेशानी वाली स्थिति थी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और जब मैं गर्मी से परेशान हो रही थी तो मेरा ध्यान कुछ कॉलेज में कुछ बच्चियों के ऊपर गया जिन्होंने बुरका डाल रखा था, तो उनका पूरा शरीर जो है वो मतलब बुरके में बंद था, केवल आंख आंख वाला जो पोर्शन था वो ओपन था। तो मेरा इस बात पे ध्यान गया कि वही स्थिति वातावरण की जिसमें मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं मतलब मौसम सुधर जाए या बारिश आ जाए और इसमें लाइट चली गई तो वो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। जबकि मैंने देखा कि वो बच्चियां आराम से उस परिस्थिति में पूरा अपने आप को कवर किए हुए भी मतलब किसी भी परेशानी में नहीं है। तो इस बात पे फिर मेरा ध्यान गया और फिर मेरा ये निर्णय हुआ कि ये तो मुझ पे डिपेंड करता है कि बाहर की परिस्थिति से जो मुझे संवेदना मुझ तक पहुंच रही है तो उस संवेदना को मुझे किस तरह से लेना है, उस पे मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे दीदी मेरे अब तक के, तो इसमें आप कुछ रखना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं बस हम इन इन सब प्रोसेस जो चल रहा है ना, इसमें इसके प्रति सजग रहें कि मैंने कैसे संवेदना को पढ़ा और तुरंत ही उसको अर्थ दे दिया। वो जो आपने बात कही ना, अर्थ एट वंस दे दिया। वो इनफैक्ट अगर हम और इसको आगे जब जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ संस्कार बना हुआ है ऑलरेडी। वो जी संस्कार के तहत जैसे ही हमें हमने उस संवेदना को पढ़ा, तुरंत ही हमने अर्थ दे दिया, है ना? जी क्योंकि ऑलरेडी संस्कार बना हुआ है। वो संस्कार जो बना हुआ है उसके तहत हमारे अंदर
जो भाव विचार चल रहा है वो उसके तहत ही चल रहा है उस समय उस क्षण, है ना। तो हमने जी कुछ उसको तभी दे दिया अपने अंदर, है ना, तभी बिल्कुल बिल्कुल। एक हमने चीज, जो भी। एक और ऑब्जर्वेशन था दीदी, कि जहां पे मैं सजग हूं ना, कि पहले मैं किन सर्कमस्टांसेस में किस तरह से रिएक्ट करती थी, वहां पे अगर मैं सजग हूँ तो वो संवेदनाएं जिस तरह की आ रही हैं, मैं उनको पढ़ रही हूँ, और मुझे पहले से अगर ये पता है कि इस संवेदना पे मैं इस तरह से रिएक्ट करती थी और मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है, तो वहां पे मेरा जो निर्णय है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर जाता है, कि वैसी संवेदना आने पर मैं सजग रहती हूँ और मुझे पता होता है कि यहाँ पे पहले ऐसा हुआ करता था, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, इतना निर्णय लेने तक की स्थिति पे मैं हूँ। लेकिन जहाँ मैं सजग नहीं हूँ, अप्रत्याशित रूप से अगर कोई घटना मेरे सामने आ गई, और उस समय फिर मेरा जो प्रतिक्रिया होती है वो फिर जैसी मेरी पहले होती आई है वैसी प्रतिक्रिया हो जाती। बहुत जी बढ़िया, आप इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखिए, हमारे अंदर बहुत से संस्कार बने ही हुए हैं, तो जब हम सजग हैं हमें वो दिखता है ना। जी जब हम सजग हो जाते हैं तो हम अपने बल पे, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस की लाइन में हम कुछ निर्णय ले पाते हैं, है ना, जी तो फिर हमारा रिएक्शन वैसा नहीं होता। लेकिन अगर हम सजग नहीं हैं तो वो संस्कार तो है ही, वो संस्कार अपना काम कर जाता है और फिर हमारा भाव विचार उसके तहत चलता है और रिएक्शन हो जाता है अपने अंदर। जी बढ़िया, ये इतना ऑब्जर्वेशन मैं मतलब क्लियरली देख पा रही हूँ अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू दीदी। अभी हम थोड़ा सा इसी बात को, सिंस ये बातें भी उठ रही हैं, तो हम वापस जाते हैं स्लाइड पे। बाहर की घटना का कुछ शरीर पे जो प्रभाव होता है उसमें मेरा क्या निर्वाह है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो जब दूसरे मनुष्य का कोई व्यवहार हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है ना, उसको थोड़ा देखेंगे। तो इसमें अगर देखें दूसरे मनुष्य का व्यवहार, पहली बात जो यहाँ पर, कोई कुछ बोल रहा है, शरीर से कुछ संकेत दे रहा है, वो एक्सप्रेशन में आ रहा है, वो अभिव्यक्त हो रहा है, उससे क्या होता है? तो कोई शारीरिक क्रिया चल रही है, वो बोल रहा है। जो वो बोल रहा है उसकी जो ध्वनि है मेरे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उससे कुछ संवेदना उठ रही है, मैं वो संवेदना का आस्वादन करती हूँ, उसको टेस्ट करती हूँ, है ना, और मैं अपने संस्कार के तहत मान्यता वश जो मान्यता बनाई हुई है, चाहे वो समझ के आधार पर है या मान्यता बिना समझे है, तो उस मान्यता के साथ, उस संस्कार के साथ ही जोड़कर मैं उसको कुछ अर्थ देती हूँ, वो जो संवेदना मैंने पढ़ी। इसी तरह अगर आप सेकंड वाले इंस्टेंस पे जाएं, बाहर कुछ भौतिक रासायनिक क्रिया चल रही है, कुछ गर्मी है, सर्दी है, कुछ स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, उसकी गंध आ रही है, जो भी है, वो सब जो बाहर हो रहा है उसका भी मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है और उससे भी कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं शरीर में। मैं संवेदना का आस्वादन करती हूँ और जब मैं ये करती हूँ तो मैं अपने संस्कार वश, जो कि समझ के साथ है या बिना समझे है ये मान्यता, उसके साथ जोड़कर ही उसको अर्थ देती हूँ। और आगे देखेंगे तो ये जो बहुत सी ना संवेदनाएं उठ रही हैं, बाहर बहुत सी भौतिक रासायनिक घटनाएं घट रही हैं, उसके तहत शरीर पर संवेदनाएं आ रही हैं, लेकिन मैं कौन सी संवेदना पर ध्यान देती हूँ ये भी मेरे संस्कार वश ही मैं करती हूँ।
जिसको भी मैंने माना हुआ है कि महत्वपूर्ण है, उसके तहत मेरा ध्यान उस संवेदना पर जाता है। अभी 1-5 मिनट के लिए हम लोग ये फर्स्ट टू जो इसमें है, 1 एंड 2, बाहर से जो प्रभाव पड़ रहा है शरीर पर और उस शरीर पे जो संवेदना उठ रही है, कौन सी संवेदना पर मेरा ध्यान जाता है, मैं उसको पढ़ती हूँ, क्या अर्थ देती हूँ, उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट के लिए, और फिर आपके ऑब्जर्वेशंस देंगे। तो मैं यहाँ म्यूट कर देती हूँ 5 मिनट्स में, फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, 5 मिनट हो गए हम लोग को इस पर ध्यान जाते हुए कि बाहर कुछ घटना घट रही है, उसके तहत शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं, और मैं संवेदना का आस्वादन करती हूँ। मैं अपने संस्कारवश सबसे पहले उस पर मेरा ध्यान जाता है, और फिर समझ के साथ या बिना समझे मैं उसको कुछ अर्थ देती हूँ। तो ये सब बहुत जल्दी होता है, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा अलग करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी अपने ऑब्जर्वेशंस रखना चाहेगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम फिर आपके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। जैसे अभी अपना ये 5 मिनट का ध्यान देने का बना, तो मैं नीचे वाइट फर्श लगी हुई मेरे घर पर, तो बाहर बैठा था, बाहर से हवा वगैरह आ रही थी, तो वो मैं देख रहा था। और मैंने मेरा हाथ जैसे मैंने वाइट फर्श के ऊपर रखा, तो वहाँ पर एक संवेदना हुई, ठंडा लगा मुझे। वो ठंडा हो लगा तो उसका आस्वादन मेरे पास था कि हाँ ठंडा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छे को मैं पहचान पाया कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, उसकी वजह से मुझे आनंद आ रहा है, और हवा भी अच्छी चल रही है तो भी मुझे अच्छा लगा। तो ये मैं देख पाया, अभी मैंने ध्यान देना चालू किया तो ये सारी चीज़ को देख पाया। बाकी ये तो बहुत जल्दी हो रहा था, मैं उसमें कुछ ध्यान नहीं देता तो नहीं देख पाता, तो इतना मुझे मालूम पड़ा कि हाँ ध्यान देने से ये मैं कर सकता हूँ, ये आस्वादन मैं ले सकता हूँ। यस, शुक्रिया। जी, बहुत अच्छा। इसमें आपने कुछ अर्थ दिया इसलिए आपको अच्छा लगा, है ना? ये कोई और हो, सपोजिंग किसी को किसी ने ये माना हो कि भाई हवा लग जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, अब ऐसे में वही हवा, लेकिन उन्होंने कुछ अर्थ दूसरा दिया और वो दुखी हो गए, ऐसा भी हो सकता था, है ना? यस यस। जी, ठीक है, बढ़िया, तो बाकी बहुत भी अच्छा। काफी मेरे सामने, जैसे आपने बताया कि बाकी काफी यहाँ पे कबूतर भी आवाज दे रहे थे, फिर नीचे पंखा भी चल रहा था, लेकिन तब उसके ऊपर मुझे मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन वो सब कुछ ये सब कुछ भी हो रहा था, तो वो भी मैं देख पाया जी कि काफी कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ पर मुझे ध्यान देना है वहीं पर मेरा ध्यान जाता है। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं अभी जैसे एक्यूप्रेशर वाली टाइल्स पे घूम रहा था, तो जैसे उनसे जो चुभन हो रही थी, तो वो मैं महसूस कर पा रहा था, शरीर से उसकी संवेदना आ रही थी, परंतु मैं अर्थ दे रहा था कि भाई ये पोषण के लिए, ये एक्यूप्रेशर मेरे शरीर के एक्टिव करने के लिए अच्छा है, तो उसका अलग मतलब निकला। और यही मैं अगर मान लो अनअवेयर होता और बिना चप्पल जूते के मान लो बाहर घूम रहा होता और कंकर वगैरह चुभ रहे होते, तो वो संवेदना आती और उससे मैं परेशान हो जाता और अर्थ देता और तत्काल जूते चप्पल पहन लेने की कोशिश करता। इसी तरह से ध्वनियाँ आ रही, कई तरह की ध्वनियाँ आ रही, जैसे एक तो मंदिर से म्यूजिक की ध्वनि आ रही, तो उसको मैंने अर्थ दिया कि भाई ये अच्छी है, तो उससे मैं आराम में रहा। और यही मस्जिद से जो ध्वनि आ रही थी, तो मुझे उसका अर्थ एक बार तो ऐसा लगा कि भाई ये ध्वनि जो आ रही है मेरे अनुसार नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा विरोध का भाव आया, परंतु तत्काल ध्यान गया कि अपने को विरोध का भाव लाना ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं है, और अपने को सहज स्वीकृति के अनुसार रहना है, तो वो जो विरोध का भाव चला गया और मैं आराम में आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम देखेंगे हम क्या अर्थ देते हैं, उसके तहत हम सुखी दुखी होते रहते हैं। और हमने जो तो अर्थ दिया वो समझ के साथ दिया या समझ के बिना दिया, है ना? हाँ तो अगर हम देखें हमारी जो सहज स्वीकृति है, हाँ
किसके लिए है? संबंध के लिए, व्यवस्था के लिए, सहअस्तित्व के लिए। तो हाँ जब जब हमारा ध्यान उस पर जाता है, हम सजग रहते हैं, हाँ तो हम वैसा अर्थ दे पाते हैं। जब जब हमारा ध्यान उस पर नहीं रहता, तो हाँ बिना समझ के, बिना सजगता के हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, कुछ भी हाँ अर्थ दे देते हैं और उसके तहत कुछ निर्णय लेते हैं, और फिर हमारा रिएक्शन और रिस्पांस जो भी है वो हाँ होता है। तो बिना समझ के जब हम करते हैं, बिना सजगता के, तो ये हाँ क्लियर नहीं है कि कब हम सुखी होंगे, कब दुखी होंगे। इसीलिए हम दिन भर में कितने बार सुखी दुखी होते रहते हैं। बट जैसे ही हाँ हमने सजगता बनाई और हमने अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दिया और उसके तहत अर्थ दिया, तो फिर हम आराम में आ जाते हैं, जैसा कि आपने आराम में आ बताया। जाते हैं और उस संवेदना को पढ़ना भी बंद कर देते हैं, मतलब क्योंकि उसको। आप उसको महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। हाँ, तो हाँ, जैसे वो जो मस्जिद से आवाज आ रही है उसकी तरफ अपना ध्यान ही नहीं जा रहा। सही बात है, ठीक बात है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी हम यहीं रोकते हैं। इस बात पर आज पूरा दिन ध्यान जाए कि जब हम बाहर हो रही घटनाओं के कारण जो प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, उससे जो संवेदना उठ रही है, हम उसको निर्णय पूर्वक पढ़ रहे हैं और कुछ अर्थ दे रहे हैं। अब ये हमने और एक जोड़ दिया, क्या अर्थ दे रहे हैं उस पर हमारा ध्यान जाए आज पूरा दिन। गृह कार्य में भी हम इसको लिख देंगे, तो कल इस पर और चर्चा होगी। तो अभी के लिए हम यहीं रोकते हैं।